Hello my dear students, I welcome you all again today to my YouTube channel. आज हम rural products topic पर बात करेंगे from the subject rural and agricultural marketing for M.Com Plain 4th sem. इस topic पर हम बात करें उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ important बात करना चाहूँगी कोविड-19 के ऊपर. आप सभी को पता है कि हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जिससे उबर पाना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर है, पर हम इससे ज़रूर उबर पाएंगे अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखें. वो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि हमें जब भी हम घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के कहीं पर भी बाहर ना निकलें, किसी भी चीज़ को छूने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें, डिसइंफेक्ट करें, हैंड वॉश से या सोप से क्लीन करें, और लास्टली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें. आप कहीं पर भी मार्केट में जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें. और किसी भी एक व्यक्ति की मदद, सिर्फ एक व्यक्ति की मदद आप जरूर करिए. आई होप मेरा ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगा, अगर जितने लोगों तक पहुंच रहा है वो हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति की मदद करे तो शायद हम जाने अनजाने बहुत सारे लोगों की मदद कर सकेंगे. सो प्लीज इन बातों को ध्यान में रखिए, हम सभी को मिलकर इस महामारी का सामना करना है और वो हम करेंगे. वी विल फाइट बैक कोरोना एंड वी विल कम आउट विद हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस. तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग से रूरल प्रोडक्ट्स वो डिस्कस करने से पहले मैंने अपने कल के वीडियो लेक्चर में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था. इससे रिलेटेड ऑनलाइन लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो चुका है, आप उसको यूट्यूब पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं. वहां पर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है इन ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से वो इमीडिएटली आपके पास अपडेट के फॉर्म में पहुंच जाए. हमारी ये कोशिश है कि लॉकडाउन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपनी स्टडी से रिलेटेड ना हो, इसलिए हम आपके सामने ये यूट्यूब लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे. तो चलिए आज का प्रोडक्ट टॉपिक है रूरल प्रोडक्ट्स. रूरल प्रोडक्ट्स यानी ग्रामीण उत्पाद. ग्रामीण उत्पाद वो सभी उत्पाद हैं जो गांव वगैरह में रूरल एरियाज में मिलते हैं, बट सिर्फ ग्रामीण उत्पाद में जो भी उपभोक्ता उत्पाद है वो नहीं आते. इसके साथ ही साथ ग्रामीण उत्पाद में जो भी उपभोक्ता उत्पाद है उसके साथ ही जो भी औद्योगिक उत्पाद है वो भी ग्रामीण उत्पाद में आते हैं. तो ऐसे सारे उत्पाद या ऐसे सारे प्रोडक्ट्स दोज आर कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स एज वेल एज दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड अंडर रूरल प्रोडक्ट्स. उन सारे प्रोडक्ट्स को हम रूरल प्रोडक्ट्स या ग्रामीण उत्पाद बोलते हैं. आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. जैसे जैसे हम इसकी आगे विशेषताओं पर बात करेंगे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि और क्या क्या चीजें ग्रामीण उत्पाद में आती हैं. ग्रामीण उत्पाद बेसिकली आपके जो भी रूरल एरियाज हैं वहां पर इनको बनाया जाता है,
या तो वो खाद्य खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं जैसे आप कंज्यूमर गुड्स बोलते हो, या फिर औद्योगिक उत्पाद होता है जिसको लघु उद्योग के द्वारा बनाया जाता है जिनका भी उपभोग किया जाता है या फिर उनको बेचा जाता है बिजनेस के लिए। तो दोनों तरीके के उत्पाद जो है वो ग्रामीण उत्पादों की कैटेगरी में यानी रूरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विशेषताओं की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रामीण उत्पादों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है कि स्मॉल स्केल पे इनका प्रोडक्शन होता है। स्मॉल स्केल यानी छोटे पैमाने पर लघु उद्योग जिसे कहते हैं। स्मॉल स्केल कम लागत में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इन उत्पादों का प्रोडक्शन या उत्पादन करती हैं। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगला है ग्रामीण उत्पाद ज़्यादातर करके सीजनल प्रोडक्शन के होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, राइस है, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो सीजनल क्रॉप्स हैं। ठीक है, सीजन वाइज मिलते हैं आपको अलग अलग सीजन में। मैंगोज हैं समर्स में मिलेंगे, राइट, गुआवा है आपको विंटर्स में मिलेगा, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है वो समर्स में मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे जो ग्रामीण उत्पाद हैं जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो सीजनल बेस पे होते हैं, आपको अलग अलग सीजन में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है क्वालिटी में भी इनके डिफरेंस होता है। क्वालिटी में कैसे डिफरेंस होता है कि जैसे औद्योगिक उत्पाद है तो उनकी क्वालिटी जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स की क्वालिटी और कंज्यूमर गुड्स की क्वालिटी दोनों की क्वालिटी अलग अलग होगी क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड मानक अलग अलग होता है। इसके बाद है स्पेसिफिक प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक प्रोडक्शन यानी किसी भी स्पेसिफिक रीजन के लिए इनको प्रोड्यूस किया जाता है, मे बी फॉर ईटिंग और कंजम्पशन और फॉर सेलिंग, इट कैन बी एनी रीजन। सो कई बार गेहूं होता है तो गेहूं कुछ लोग होता है कि भाई गेहूं अगर पैदावार हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ लोग उसको अपने खाने के लिए उगाते हैं, कुछ फार्मर्स जो ऐसे होते हैं जो उसको बेचते हैं मार्केट में जाकर। तो दोनों ही तरीके से स्पेसिफिक रीजन के लिए प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी रूरल प्रोडक्ट का। देन देयर कम्स हैवी प्रोडक्ट्स। हैवी प्रोडक्ट्स यानी जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियल गुड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो इंडस्ट्रियल गुड्स का यहाँ पर ये मतलब है कि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपके ट्रैक्टर्स हो गए जो फार्मिंग में आपको मदद करते हैं, या फिर बड़े बड़े और फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं जो आपको फार्मिंग या किसानी में मदद करते हैं, वो भी रूरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और वो बहुत हैवी होते हैं इन नेचर। फिर है ईजिली डैमेजेबल प्रोडक्ट्स। ईजिली डैमेजेबल प्रोडक्ट्स कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो रूरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि आसानी से टूट सकते हैं, जैसे कि आपका या खराब हो सकते हैं, जल्दी नष्ट हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो ज़्यादा समय के लिए ड्यूरेबल नहीं होती हैं। देर आर ड्यूरेबल ओनली फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम पीरियड के बीच में अगर वो कंज्यूम कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो चीज़ें खराब हो सकती हैं या सड़ सकती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन डिमांड। हर प्रोडक्ट चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड हो या कंज्यूमर गुड हो, रूरल प्रोडक्ट की कैटेगरी में सबकी डिमांड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जिस तरीके की डिमांड है उस तरीके से हम उनका प्रोडक्शन करते हैं, और जैसे जैसे डिमांड मार्केट में अराइज होती है वैसे वैसे तरीके से हम इन चीज़ों को मार्केट में भेजते रहते हैं। उसके पहले ये प्रोडक्ट्स हमारे पास वेयर हाउसेस में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट नंबर टाइप्स। टाइप्स की अगर हम बात करें, रूरल प्रोडक्ट्स को दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और दूसरा है कंज्यूमर रूरल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जैसे कि टोबैको हो गया, तंबाकू, जूट, कॉटन, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। यानी इनको इंडस्ट्रीज के थ्रू बड़ी बड़ी या जो बड़े नॉट वेरी बिग इंडस्ट्रीज बट इंडस्ट्रीज होती हैं
जहाँ पर इनको प्रोसेस किया जाता है, मशीन होती है जिनके थ्रू ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में आते हैं और इनको प्रोसेस कर मार्केट में बेचा जाता है। इसके बाद में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी जो उत्पाद ऐसे उत्पाद हैं जो खाने योग्य होते हैं, उन उत्पादों की कैटेगरी में ईटेबल्स आते हैं जो खाने योग्य हैं। इसके बाद आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध दही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आपका पोल्ट्री आ गया, पोल्ट्री में एग्स है और सारे कई सारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, जिनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया और कंज्यूमर रूरल प्रोडक्ट हो गया। रूरल प्रोडक्ट को ब्रॉडली इन दोनों कैटेगरीज में बांटा गया है। आई होप ये रूरल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज अपने फीडबैक के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। एंड मोर अपडेट्स ऑन वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स, प्लीज प्रेस द बेल आइकन। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।